CAA NRC NPR, घोर कन्फ्यूजन है भाई। बहुत से लोग समर्थन कर रहे हैं, बहुत से लोग इसका विरोध कर रहे हैं। मैं विरोध करता हूं। आप में से जो लोग समर्थन करते हैं उनसे कुछ सवाल है। ऐसा कहा जा रहा है कि भाई NRC का तो कानून ही नहीं आया, तो आप विरोध क्यों कर रहे हैं? भाई NRC का कानून तो आ चुका है, 2003 में ही आ गया था। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 के अंतर्गत NRC जो है अब हमारे नागरिकता कानून का हिस्सा है। अब NRC कैसे की जाएगी, इसके रूल्स अभी नहीं बताए गए हैं। सरकार कहती है कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, किसी भी भारतीय नागरिक का इसमें कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन भाई ये वही सवाल है कि पहले मुर्गी आई या अंडा, क्योंकि पहले तो ये साबित करना होगा NRC में कि हम नागरिक हैं। और अगर उसमें निकला आप नागरिक नहीं है और हमारा कुछ बिगड़ गया, तो सरकार तो कहेगी हमने पहले ही कहा था किसी नागरिक का कुछ थोड़ी बिगड़ने वाला है, आप तो नागरिक निकले ही नहीं। और ये किसी के साथ भी हो सकता है। आपको एग्जाम्पल दूं, आसाम में NRC की गई। हमारे देश में अब तक एक ही NRC हुई है, आसाम में, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर। मेरी पत्नी मणिपुर से है, उनकी पैतृक संपत्ति आसाम में है, पूरा परिवार NRC में भारतीय पाया गया, लेकिन उनका भाई जो परिवार का सबसे छोटा बच्चा है उसे गैर भारतीय पाया गया, उसका नाम NRC से बाहर है। अब इसके बाद उसे फॉरनर ट्रिब्यूनल जाकर के साबित करना होगा कि वो भारतीय है या नहीं। है ना मजे की बात? माँ बाप हिंदुस्तानी, बहनें हिंदुस्तानी, भाई हिंदुस्तानी नहीं। कागज तो उसके पास पूरे थे और उसने तो दिखाए भी थे। हम तो कह रहे हैं कागज नहीं दिखाएंगे, उसने दिखाए थे, वो फिर भी बाहर पाया गया। और आंकड़ा ये भी बताता है कि NRC में जिनके नाम बाहर होते हैं उनमें 95% लोग फॉरनर ट्रिब्यूनल में भी खुद को भारतीय साबित नहीं कर पाते। अब आप कहते हैं CAA आ गया है, इससे तो जो नॉन मुस्लिम है उसे तो नागरिकता मिल जाएगी। जरा सोचिए किन्हें मिलेगी नागरिकता, जो बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान से आए हैं, जो जेन्युइन भारतीय NRC से बाहर पाए गए और जिन्हें फॉरनर ट्रिब्यूनल भी कह देगा आप भारतीय नहीं है, वो क्या करेगा, कहां जाएगा? या तो उसे ये कहना पड़ेगा कि साहब मैं भारतीय नहीं हूं, मानता हूं मैं पाकिस्तान से आया हूं या बांग्लादेश से आया हूं या अफगानिस्तान से आया हूं, तभी उसे CAA के अंतर्गत नागरिकता दी जा सकती है। और वो कब दी जाएगी, जब आप नागरिकता के लिए आवेदन करेंगे। उससे पहले के आपके इतिहास का क्या होगा, क्योंकि आपने तो खुद ही मान लिया ना कि आप इलीगल इमिग्रेंट थे, यानी आपकी नौकरी क्या वो वैध थी, आपकी शादी क्या वो वैध थी, आपके बच्चों की नागरिकता क्या वो वैध थी, आपके नाम की प्रॉपर्टी क्या वो वैध होगी, शायद नहीं। आपके भी वकील दोस्त होंगे, जरा उनसे पूछ लीजिए कि आसाम NRC में जो 19 लाख लोग NRC से बाहर पाए गए और उनमें जो भारतीय हैं, ज्यादातर भारतीय हैं, और तकरीबन 13 लाख हिंदू हैं, नॉन मुस्लिम, उन 13 लाख में से जो इंडियन हैं उन्हें CAA से कोई भी फायदा होने वाला है? शून्य। अब आप कहेंगे कि NRC तो आया ही नहीं ना भाई, उसके रूल्स भी नहीं आए हैं, तो फिर क्यों? कंफ्यूजन है भाई, घोर कंफ्यूजन है। सरकार की बात पर कैसे विश्वास करें, आप बताइए। सरकार कहती है किसी भारतीय नागरिक को चिंता करने की जरूरत नहीं, लेकिन सरकार तो यह भी कहती है कि NRC का कभी जिक्र नहीं हुआ, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा। लेकिन उससे पहले हमारे होम मिनिस्टर चुनावी रैलियों से लेकर संसद तक कह चुके हैं कि पूरे देश में NRC लागू की जाएगी, दीमकों को बाहर निकाला जाएगा। उसके बाद ये कहा जाता है कि भाई NRC आ भी गई तो क्या, राजनाथ जी ने कहा। फिर बात आती है NPR की, कहा जाता है NPR और NRC ये सब अलग अलग है। भाई NRC के जो रूल्स हैं उसमें लिखा हुआ है NPR उसका पहला कदम है। फिर एक मंत्री महोदय कहते हैं कि भाई NPR कुछ भी नहीं, ये तो सेंसस की तरह है, ये तो नागरिकों तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने का एक औजार है, उसके लिए तो आधार था ना सर। फिर दूसरे मंत्री ने यह कहा, देखिए NPR का डेटा NRC के लिए इस्तेमाल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब सवाल यह होता है कि भाई या तो जो सरकार में है सब मंत्री एक दूसरे से बात कर लें, एक राय बना लें और एक कागज पेश कर दें कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। डर का माहौल तो आपने बनाया है, इसीलिए लोग डरे हुए हैं। तो आप बता दें NRC नहीं होने वाली है तो लिख कर दे दें कि NRC नहीं होगी, हो रही है तो बता दें, और उसमें कौन कौन से कागज लगेंगे ये भी तो बता दीजिए। क्योंकि गृह मंत्री महोदय ने एक इंटरव्यू में कहा था कि आधार तो बिल्कुल मान्य नहीं होगा NRC के लिए,
और आधार कार्ड के जो रूल्स हैं उसमें लिखा भी है कि ये नागरिकता का प्रूफ नहीं है, तो कौन से कागज हैं हम इकट्ठा करना शुरू करें? माता पिता के जन्म के कागज चाहिए, हमारे जन्म के कागज चाहिए, और अगर हमारे नाम की स्पेलिंग अलग अलग कागजों में अलग अलग निकली, जो कागज सरकार ने ही बनाए हैं, यानी कि आपका पासपोर्ट, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ये पांच तो सबके पास होते हैं तकरीबन। ऐसा कोई है जिसके नाम की स्पेलिंग इन पांचों में थोड़ी सी भी अलग अलग नहीं है, या पिता का नाम कहीं थोड़ा सा भी अलग नहीं लिखा गया? क्योंकि आसाम के एनआरसी में ऐसा हुआ, पिता का नाम एक जगह कुछ था, दूसरी जगह कुछ और लिखा हुआ था। फजलू है तो कहीं फजल लिखा हुआ था, कहीं समर है तो कहीं समीर लिखा हुआ था। ऐसे लोग एनआरसी से बाहर पाए गए, डिटेंशन सेंटर्स भी भेजे गए। तो आप बता दें तो लोग कंफ्यूजन अपना दूर करें। एनआरसी की वजह से आसाम में डिटेंशन सेंटर्स में अब तक 28 मौतें हुई हैं, एक डेढ़ महीने का बच्चा भी खत्म हो गया। कुल मौतें तकरीबन 100 हैं, जिसमें कुछ लोग शौक की वजह से मर गए, कुछ ने सुसाइड किया। सीएए से जुड़ा मेरा एक सवाल मानवीय स्तर पर है। चलिए, आप मुस्लिम घुसपैठियों को बाहर निकालना चाहते हैं, ठीक है, यह आपकी मंशा है, लेकिन बांग्लादेश ने कहा है कि आप हमें लिखकर दीजिए कि आप किसी को भी भेजेंगे नहीं। चलिए, आपने बांग्लादेश को मना भी लिया कि जो उनके मुसलमान यहां आए थे इलीगली, उन्हें वापस भेज दिया जाएगा। क्या सिर्फ आपके कहने से बांग्लादेश मान जाएगा कि आप जितने लोगों को वापस भेज रहे हैं वो सभी बांग्लादेशी हैं? बांग्लादेश भी तो चेक करेगा ना अपने रजिस्टर में कि उनके पास कितने नाम हैं। अगर आपने 5 लाख भेजे और 5 लाख में से 2 लाख को बांग्लादेश ने कहा हमारे हैं, 3 लाख हमारे नहीं हैं, उन 3 लाख को हमारी सरकार कहां रखेगी? डिटेंशन सेंटर में हमेशा के लिए, आजीवन, मरते दम तक? अगर पूरा का पूरा परिवार एनआरसी के बाहर हुआ और घुसपैठिया पाया गया और मुस्लिम पाया गया, क्या उस पूरे परिवार को हमारी सरकार डिटेंशन सेंटर में एक साथ रखेगी? और अगर एक साथ रखेगी तो क्या उस परिवार को प्रजनन के अधिकार होंगे? क्योंकि डिटेंशन सेंटर में जगह तो सीमित है ना, तो आप जनसंख्या तो बढ़ा नहीं सकते। यानी उन इंसानों को जिन्हें आप डिटेंशन सेंटर में भेजेंगे सिर्फ इसलिए चूंकि वो मुसलमान है, उन्हें प्रजनन के अधिकार भी नहीं होंगे, वो मरते दम तक डिटेंशन सेंटर में रहेंगे अपराधियों की तरह। क्या ये इंसानियत है? क्या आप उनसे नजरें फेर लेंगे, भूल जाएंगे कि ये लोग देश के किसी कोने में जानवरों से भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं, और ये सब हमारे यानी मेजॉरिटी के नाम पर किया जाएगा?